नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज टेल के अध्याय में आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएट कंपनी। तो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, और आज हम लोग सीखेंगे अल्टर और चेंज और सेलेक्ट और शट कंपनी। तो क्या है दोस्तों, अल्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप कोई कंपनी बनाए हैं दोस्तों जिसमें आपका मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल नंबर कुछ आपको गलत हो गया, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ चेंजिंग करना है यानी कि नाम मिस्टेक हो गया या ईमेल नंबर या मोबाइल नंबर या कंपनी का नाम या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया यानी कि टाइप करें मिस्टेक हो गया, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज कंपनी का क्या मतलब होता है दोस्तों, कंपनी बदलना। हम मुझे इस कंपनी में नहीं काम करना है यानी इस कंपनी में ट्रांजेक्शन नहीं करना है, उस कंपनी में करना है, तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सेलेक्ट मतलब क्या होता है, कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस कंपनी को नहीं काम करना, उस कंपनी में काम करना है। और शॉर्ट मतलब क्या होता है, कंपनी बहुत सा ओपन होता है उसको क्लोज करना। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्टर को ही सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ऊपर जो गौरव कंप्यूटर ज्ञान जो ब्लैक में और जो बोल्ड है, ये कंपनी आपको ओपन है, इसी कंपनी में हम लोग ओपन है, मैंने इस कंपनी में ट्रांजेक्शन होगा। और ये दोनों रिसेंट में जो कंपनी होती है ओपन, जो पहले आप कभी काम किए होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सा कंपनी आपको ओपन है, तो इस कंपनी का ओपन है। तो चलिए इसी में आप हम लोग एडिट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आना है, इस यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐड के साथ के प्रेस करके भी क्लिक कर सकते, मतलब कीबोर्ड से भी आप यूज कर सकते हैं ऐड के, नहीं तो आप माउस से क्लिक कर दीजिए और आते हैं अल्टर में। अल्टर में आने के बाद यहाँ पर कंपनी चूज कर लीजिए कौन कंपनी में आपको अल्टर करना है यानी कि एडिट करना है, उसके बाद वहाँ पर इंटर मार दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ कमी है, तो देखिए हम लोग ऐड शॉर्ट लिखे थे, कोई भी चीज़ कमी है इंटर, जैसे हम इंटर मारे नीचे आ गए, अगर ऊपर जाना है तो बैक स्पेस मार दिए, इंटर मारना है तो जैसे इसमें कुछ कमी है तो उसको हम लोग ठीक करते हैं, फिर इंटर मारेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ऊपर विलेज, ये लिखा PS, नीचे लिख रहा हूँ पोस्ट, और इंटर मारे उसके ऊपर नीचे लिख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ये स्टेट, यहाँ पर पिन कोड, इंटर मार रहा हूँ, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अपना फैक्स नंबर, यहाँ पर अपना ईमेल नंबर, उसके बाद इंटर 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 इंटर, और यहाँ पर ही वाई से एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इंटर मार सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया दोस्तों, कंपनी को एडिट कर लिया। अब आपको नेक्स्ट, फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने अल्टर से क्या किया, एडिट किया। अब आपको मन है कि हमने कंपनी को करना है डिलीट, ठीक है, जैसे मैंने कंपनी को करना है आपको डिलीट, तो सबसे पहले आपको कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा कंपनी को डिलीट करना है, ठीक है, तो एक तो अल्टर कर लिए, एक आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन सा कंपनी को आपको डिलीट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बैक से मैंने ESC प्रेस करके हम लोग मेन पर आ गए हैं, और कंपनी को अब हमको करना है डिलीट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि कौन सा कंपनी का करना है डिलीट, अभी ये कंपनी ओपन है तो इसको करना है, इसको करना है कि किसी और को करना है, तो आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अल्ट्रा में आना है डिलीट करने के लिए, अल्ट्रा में आ गए, इसमें से कौन सा कंपनी का करना है डिलीट, इसको या इसको, यानी ऊपर वाला को या नीचे वाला को, तो इसी पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर आपको एल्ट प्लस डी प्रेस करना है कीबोर्ड से, एल्ट प्लस डी, और उसके बाद आपको इंटर मार देना है, और फिर इंटर मार देना, तो आपको कंपनी हो गया डिलीट। अब आपके पास कंपनी बच रहा है एक, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या सीखा, अल्टर करने के लिए कंपनी, डिलीट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर चेंज कंपनी, कंपनी को आप बदल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको नहीं, इसमें काम नहीं करना, उसमें काम करना, तो यहाँ चेंज कंपनी पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एक ही कंपनी है, अगर दो तीन कंपनी होता तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं ऊपर नीचे, मेरे पास एक ही कंपनी है,
ठीक है ना, यहाँ से दूसरा कंपनी को आप चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारे पास सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पर भी सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर से बहुत सारा कंपनी आपको चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कंपनी सेलेक्ट करना है यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, जो कंपनी में आपको सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर, उस कंपनी में आपको काम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको कंपनी को शट कर सकते हैं, यानी कि शट मतलब क्या होता है, बंद करना होता है, क्लोज नहीं करना होता। तो देखिए मेरे पास कंपनी आपकी ओपन है, इसको हमको बंद करना है यानी कि शट करना है, तो यहाँ पर आकर शट कर सकते हैं, यहाँ पर इंटर मारिएगा तो आपको शट हो जाएगा कंपनी। अब देखिए आपको कंपनी शट हो गया, अब यहाँ से कोई कंपनी और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि कैसे कंपनी को अल्टर करते हैं, कैसे कंपनी को डिलीट करते हैं, और कैसे कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, कैसे कंपनी को आपको शट करते हैं। तो चलिए मैं एक और कंपनी को क्रिएट करके आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पर मैं लेता हूँ गौरव, और यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका मैं आगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर से आपको मेंटेन अकाउंट ए इनेबल बिल वाइज आगे आपको मैं बताऊँगा, अभी बताऊँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्किप नहीं करते हैं, अगर इंटर मारते मारते आप जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक GST का फॉर्म खुलता है आपको फिलअप करने के लिए, कि आपका GST का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल कीजिए। आपके पास अगर GST है तो यहाँ से फिल किया जाता है, इसके मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक ना, आप डायरेक्ट यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके आगे में बढ़ भी सकते हैं। ठीक नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, स्किप, ठीक है, स्किप कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हमने क्या किया, कंपनी क्रिएट कर लिया। अब मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमको कंपनी को अल्टर करना है, या आपको आपको करना है एडिट करना है, या फिर आपको करना है डिलीट करना है, तो उसको अल्टर में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए गौरव, गौरव ज्ञान के नाम से कंपनी है, इसको हमको अल्टर करना है या हमको करना है डिलीट करना है, तो यहाँ पर जाएंगे और अल्टर में जाएंगे, और यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करेंगे कि किस कंपनी में अल्टर करना है, किस कंपनी में डिलीट करना है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, या कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एस्केप कर देते हैं। ठीक है, और मैं आगे एस्केप कर रहा हूँ, आगे मैं फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कंपनी, आप बदल सकते हैं। सबसे पहले कौन सा कंपनी में मेरे पास है, देखिए यहाँ पर मेरे पास कंपनी है गौरव, गौरव ज्ञान से। तो कंपनी कैसे चेंज करेंगे, कंपनी कैसे बदलेंगे, कंपनी बदलने का मतलब क्या होता है, इस कंपनी में हमको ट्रांजेक्शन नहीं करना है, ये दोनों 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 में करना है, तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर आएंगे चेंज में आएंगे, यहाँ से कंपनी चूज कर लीजिए, मैंने इस कंपनी में काम करना है, तो इस इंटर मार्क सेलेक्ट करके देखिए कंपनी आपको बदल गया। अब आ गया गौरव कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ से भी आप कंपनी बदल सकते हैं। देखिए ऐसे क्लिक कीजिएगा, देखिए बदल गया, बहुत इजी है ये वाला, ऐसे करेंगे कंपनी यहाँ से देखिए बदल गया, तो कंपनी यहाँ से चेंज करेंगे और बदल सकते हैं। यहाँ से फिर सेलेक्ट कंपनी पर आके सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मैं सेलेक्ट पर क्लिक किया, कौन सा कंपनी चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ से कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस कंपनी को बंद करना है, इतना सारी कंपनी खुला है इसको बंद करना है, तो इसको शट कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पर आएंगे, शट पर क्लिक किया मैंने, और कौन सा कंपनी को बंद करना है इसको सेलेक्ट करके इंटर मार दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट कर करके और सभी कंपनी को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देखिए हम बंद मैं कर रहा हूँ, इसको भी इंटर मार दिया, देखिए यहाँ पे मेरा सारा कंपनी आपको बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो ऐसा आपको दिखाई देगा, आप कह रहा है कि आपके पास कोई कंपनी नहीं, आप कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं फिर कंपनी को अपना सेलेक्ट कर लूँगा। तो आई होप दोस्तों आज हम लोग क्या सीखें, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैं पिछले वीडियो में इस चीज़ को मैंने बताया था, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छा से इसको सीख लें। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।